हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया एक सैमसंग का J2 फ़ोन, जिसमें दिक्कत ये आ रही है कि इस फ़ोन के अंदर नेटवर्क की का इशू आ रहा है, जिसमें यहाँ पे देखिए सिम लगा हुआ है लेकिन देखिए नेटवर्क यहाँ पे अनकनेक्ट बता रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में हर 5 सेकंड 10 सेकंड में नेटवर्क चला जाता है, जिससे कि फ़ोन ना लग रहा है ना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी नेटवर्क बिल्कुल लो है, और देखिए यहाँ से क्रॉस का निशान आ गया, तो यही दिक्कत आ रही है। थोड़ी देर नेटवर्क देता है, एक मिनट भी फ्रेंड नेटवर्क नहीं आ रहा है और ये चला जा रहा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये नेटवर्क बिल्कुल गायब हो गया है। हमने सिम भी दोनों सिम लगा दी है, लेकिन फिर भी देखिए एयरटेल की सिम लगी हुई है, फिलहाल नेटवर्क इसमें नहीं आ रहा है। बस ये है कि फ़ोन को ऑफ करके ऑन करेंगे तो नेटवर्क आएगा, फिर उसके बाद नहीं आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस फ़ोन में दिक्कत है क्या। तो ऑलरेडी मैंने इस फ़ोन को के स्क्रू खोल रखे हैं, ठीक है। तो ये जो दिक्कत देखिए, अब देखिए थोड़ी देर, अब देखिए वहाँ नेटवर्क आ रहा है, अब फिर चला जाएगा। तो फ्रेंड ये दिक्कत देखिए है क्या, अब यहाँ पे देखिए मैं डिस्प्ले जो लगी हुई है फ्रेंड, ये डिस्प्ले कॉपी है, जिससे कि ये यहाँ पे ब्रेक हो रखी है, ठीक है, यहाँ पे भी ये ब्रेक हो रखी है। तो इसलिए ये डिस्प्ले जो कॉपी लगी होती है उनको थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, जिससे कि डिस्प्ले निकालते वक्त टूट सकती है। तो चलिए अब हम इसको डिस्प्ले को खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको खोलने के लिए आपको SMD की मशीन जरूरत पड़ेगी, जो हमारी SMD मशीन होती है उससे हिट करके डिस्प्ले को निकालनी है। तो फ्रेंड इसी में यही दिक्कत फ़ोन में दिक्कत है कि इसकी नेटवर्क के इशू है, चलो हम इसको रिपेयर करते हैं। तो फिलहाल ये डिस्प्ले कॉपी है, इसलिए मुझे इस तरह निकालना पड़ रहा है हीटिंग से, वरना ये तो स्क्रू खोल के और डिस्प्ले निकाल देते हैं, नॉर्मल डिस्प्ले निकल जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऐसे क्या होकर कॉपी डिस्प्ले वैसे ही ब्रेक हो रखी है और टूट जाएगी अगर निकालेंगे तो हाथ हमारा, क्योंकि कॉपी डिस्प्ले इतनी मजबूत नहीं होती है, जल्दी टूट सकती है। तो इसलिए हम इसको SMD मशीन से ही निकालेंगे, क्योंकि वैसे मैं फ्रेंड निकालना तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं इसके जो ग्लू होती है वो चारों तरफ ग्लू से चिपका हुआ है, अगर हम निकालेंगे ग्लू तो निकलेगा नहीं, लेकिन डिस्प्ले जरूर टूट जाएगी। इसलिए अगर जो कंपनी की डिस्प्ले होती है वो तो उसमें ग्लू नहीं होता, इसलिए नॉर्मल निकल जाती है, लेकिन इनमें ग्लू लगा होता है, लगाते हैं तो उसके बाद इसको निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ी देर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसको, आपको हीटिंग के बाद आपको निकालनी है, जहाँ से भी आपको गैप मिल जाए उधर से आपको उसमें पतली सी चाहे ओपनर या कागज़ या ये पत्ती को डाल लीजिए, जिससे कि निकालना आसान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने इसकी डिस्प्ले को सेफली निकाल लिया है, ठीक है। ये देखिए कॉपी डिस्प्ले, इसलिए इसका जो तो रिफ्लेक्टर होता है वो भी थोड़ा हिल गया है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब अपने आप सेट हो जाएगा, ओके। तो हमने डिस्प्ले को सेफली फिलहाल रिमूव कर लिया है, ये इसकी लगी है प्लास्टिक गम, तो छोड़िए इसको हम खींचते हैं, तो इसको ऐसे रहने बाद में इसको काट देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम अब देखते हैं, इसको साइड रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब चलिए आगे के स्टेप पर चलते हैं। तो फिलहाल देखिए अब मैंने फ़ोन जो खोल लिया है, उसके बाद हम इसकी जो हाउजिंग होती है उसको निकाल देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ से इसके स्क्रू जो है कि खोल देते हैं, दो स्क्रू होते हैं, सिवा मदरबोर्ड उसका निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो नेटवर्क का सेक्शन होता है वो हमारा नीचे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो नेटवर्क के एंटीने होते हैं जो बाहर टच होते हैं बॉडी में, ये वहाँ का है। और ये देखिए ये है इसका एंटीना, ठीक है, ये इस पूरा जो है नेटवर्क सेक्शन है। तो ज़्यादातर फ्रेंड दिक्कत मेरे को इसमें लग रही है, डाउट जो दिक्कत है वो इसी में लग रही है, ये जो एंटीना होता है, जो लो सर्विस की फ्रेंड जो दिक्कत होती है ज़्यादातर फ़ोन में वो नेटवर्क एंटीने की वजह से ही होती है, कि इसमें नेटवर्क लो आ रहा है, इसमें नो सर्विस आ रहा है या रुक रुक के जा रहा है, उसमें ज़्यादातर एंटीने की दिक्कत होती है। अगर नो सिम आएगा तो वो हार्डवेयर की होती है, मतलब समझ लीजिए वो सिम ट्रे या फिर IC से आती है, लेकिन नो सर्विस और ये लो नेटवर्क जो सोल्यूशन होता है ये एंटीने का होता है। तो फिलहाल हम इस नेटवर्क का जो एंटीना है इसको हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड मैंने फिलहाल पहले भी एक फ़ोन में ऐसे ही फॉल्ट सॉल्व किया था, तो मुझे ये इस फ़ोन में मुझे वही फॉल्ट मिल रहा है, इसीलिए मैं वही स्टेप करूँगा जो मैंने पिछली बार एक फ़ोन में J2 में किया था, वही स्टेप इसमें फॉलो करूँगा। तो आपके पास भी कोई इस तरह का फॉल्ट आया किसी भी फ़ोन का, तो आपको पहले एंटीना पे ही फोकस करना है, जो हमारा एंटीना होता है उसको ही इस पे लगाना है। तो इसको रिप्लेस करेंगे,
तो मैं पहले इसमें जो थर्मल पेस्ट होती है वो लगा देता हूँ, बाद में इसको हीटिंग करेंगे। तो ये फ्रेंड ऑलरेडी मुझे ख़राब 100% मुझे ख़राब लग रहा है, इसलिए मैं ऊपर से हीटिंग कर रहा हूँ क्योंकि ख़राब लग ही रहा है मुझे। ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड इसी की ही होती है, एंटीने की। तो देखिए मैंने ये एंटीना निकाल लिया है इस तरह से, ठीक है, हमने बेसिक आराम से इसको निकाल लिया। चलिए अब इस पर हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। आपको हल्की हल्की सोल्डरिंग मारनी है, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं मारनी। थोड़ी सी ये फ्रेंड थोड़ी सी हार्ड पड़ रही है तो इसको थोड़ा हीट मार के इसको थोड़ा पिघला दूंगा। तो इस तरह से मैंने इसको बराबरी कर दिया है, जो सोल्डरिंग होती है हमारी वो सोल्डरिंग कर दी है इस पर। जो पुराना जो सोल्ड होता है वो निकाल के हमने नया लगा दिया है, ठीक है, तो हमारा ये क्लीन हो गया है। तो मैं अब इसमें फ्रेंड जो दूसरा मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा है G2 का डेड फोन है, मैं इसका एंटीना निकाल दूंगा, इसका निकाल के इस फोन में लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का है, इसलिए मैं इसका एंटीना इसका निकाल देता हूँ। इसको फिलहाल मैं नीचे से हीट करूंगा ताकि ये ऊपर से जले ना आपको, क्योंकि फिलहाल वो फ्रेंड मुझे ख़राब लग रहा था इसलिए मैंने इसको ऊपर से हिट किया था। जला तो वैसे नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस वाले को सेफ निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ सॉरी इसके लिए कि मैं जो मेरा टेबल है ये इतने वीडियो में पूरा नहीं आ पा रहा टेबल, इसलिए मैं इसको नीचे से यहीं से साइड से हीटिंग कर रहा हूँ टेबल के नीचे से, क्योंकि ये अभी वीडियो में पूरा कवर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको साइड से बस का एंटीना पॉइंट निकाल रहा हूँ नीचे से हीट करके, ठीक है। जो मेन काम है फ्रेंड वो आपको मैं वही दिखा रहा हूँ, बीच में जो बोर्ड है उसको, बाकी जो मैं निकाल रहा हूँ तो निकालना बड़ा आसान है, कोई भी चीज़ आप आराम से कहीं से भी निकाल सकते हो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा वीडियो में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं निकाल के आपको बस लगा के दिखाऊंगा कि लगाना कैसे है। तो आपको फ्रेंड कोई भी जो चीज़ होती है कॉम्पोनेंट को निकालना है तो आपको आराम से निकालना होगा, क्योंकि जले ना इसलिए निकालना है। तो फ्रेंड मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया है कि वीडियो में फ्रेंड पूरा कवर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको साइड से, मैं तो टेबल जितना नीचे तक आ सकता है मैं वहाँ से नीचे से हीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर रखूँगा तो ऊपर से हीट माना पड़ेगा, वो कोई मेरे पास तरीका भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। फ्रेंड तो इस तरह से फ्रेंड मैंने इसको निकाल दिया है, ठीक है, एंटीना सॉरी कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये एंटीना का जो एंटीना हमारा है दूसरे फ़ोन का वो मैंने निकाल दिया है। तो चलिए मैं इसको अब फ़ोन में लगा दूँगा, अब चलिए हम इसको लगाते हैं। तो मैं जो हमारा मदरबोर्ड था उसको साइड कर देता हूँ। अब देखिए इस बोर्ड में मुझे ये लगाना है जो मैंने निकाला है पहले वाला जो एंटीना पॉइंट निकाला था, अब इसको मैं इस फ़ोन में लगाऊंगा। देखिए ये साइड में रख दिया इस एंटीना पॉइंट को, ओके। तो देखिए इस तरह से है ये। तो नेक्स्ट टाइम अब आपको करना क्या है, चलिए जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे भी आपको फॉलो करना है। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ लगाना कैसे है। फिलहाल मैं एक डिब्बे के ऊपर रखता हूँ उसको, यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, उसके ऊपर सपोर्ट रख दिया है, इससे क्या होगा फ्रेंड आपको दिख जाएगा कि मैंने इसे लगाया कैसे है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लगाता हूँ उसको। तो आपको वैसे आपको ऊपर से हिट नहीं करना है, आपको नीचे से हिट देनी है। चलिए थोड़ा सा फिर पेस्ट लगा देंगे। ठीक है चलिए अब हम इसको यहाँ नेक्स्ट स्टेप करते हैं, थोड़ा सा इसको हिट मार देते हैं कि जिससे कि वो थोड़ा बोर्ड गर्म हो जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। चलिए अब मैं इसको इस पर लगा देता हूँ, ठीक है,
उसके आपको पूरे पॉइंट देखने हैं कि हमें कौन से पॉइंट कैसे थे, आपको पॉइंट देख के लगाने हैं। ये बार बार गिर रहा है, तो ये इसको आपको बड़े ध्यान से काम करना है, ये चीज़ गिरे ना बार बार, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा हिट कर देता हूँ। फ्रेंड छोटे छोटे जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं इनको लगाने में थोड़ी दिक्कत सी होती है, लेकिन आप बड़े आराम से काम करोगे तो और नॉर्मली से तो आप 100% सब काम डन कर ही लोगे, इसलिए आपको धीरे से आराम से काम करना है। इसमें थोड़ा क्या होता है 19-20 का भी दाएं बाएं का फ़र्क हो गया, चल जाएगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा गैप ना हो, आराम से ही आप काम करना, हो जाएगा सही। चलिए मैं इसको आराम से फिट कर देता हूँ। जब तक फ्रेंड शोल्डर पिघलना है तब तक आप हिट करते रहिए, जब शोल्डर पिघल जाएगी लगेगा आपको हाँ आप सही है तो फिर निकाल लेना। देखिए थोड़ी दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स के अंदर, जल्दी से हो नहीं रहा है। देखिए फ्रेंड हमने इसको लगा दिया है अच्छे से, तो यहाँ पे ये मजबूत हो गया है। तो चलिए अब हम हमारा जो काम था मेन एंटीने का वो हमने इसको चेंज कर दिया है, तो अब प्रॉपरली आराम से ये एकदम फिट बैठ गया है, इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही मुझे फिलहाल, ये एकदम ओके है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा देखता हूँ ये सही बैठा है कि नहीं, भाई बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि हाँ एकदम सही बैठ गया है, बराबर ही है। ओके चलिए फिर मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा इसको थिनर से जो होता है हमारा स्प्रे मार के को क्लीन कर देंगे ताकि कोई इसमें ग्लू वगैरह डस्ट इसमें ना रहे। ओके तो देखिए मैंने इसको फिलहाल ठीक कर दिया है, यहाँ से हमने प्रॉपर इसको लगा दिया है। चलिए मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा क्लीनर वगैरह से इसको एकदम से बढ़िया साफ़ कर लेता हूँ, यहाँ से इसको क्लीनर मारते हैं। जब भी फ्रेंड कोई काम करना हार्डवेयर से, तो काम करने के बाद क्लीनर से बिल्कुल इसको साफ़ कर देना ताकि कोई इसमें डस्ट या ग्लू वगैरह कुछ भी ना रहे। ओके तो चलिए अब मैं इसको बिल्कुल ही एकदम क्लीन कर दिया, तो अब मैं इसको चेक करूँगा। चलिए अब मदरबोर्ड थोड़ा इसमें अब इसके हाउसिंग में फिक्स कर देते हैं जिस तरह निकाला था। ओके तो मेरे को सर फ्रेंड जो डाउट था एंटीने का मेरे, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे फॉल्ट सॉल्व कर रखे हैं ज़्यादातर मुझे एंटीने की ही मिली है। इसमें मैंने आपको एंटीने के बारे में बताया है कि आपको कोई सा ही फ़ोन दिखता है तो सबसे पहले उसमें आप एंटीना देख लीजिए, एंटीने में ही कोई ना कोई दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर एयर फ्रेंड एंटीने से ही आता है, ये एंटीना ही ख़राब होता है। चलिए फिर अभी हम इसकी सिम को लगा देते हैं, बाद में इसकी बैटरी फिक्स कर देते हैं जो इसकी डिस्प्ले है। चलिए डिस्प्ले लगाते हैं। चलिए आराम से इसको फिक्स कर देते हैं, तो अब हम इसकी बैटरी ला के फोन को ऑन करते हैं। तो फिलहाल फोन तो देखिए ऑन तो हो गया है। ओके तो हमारी डिस्प्ले तो फिलहाल ओके है, चलिए अब चेक कर लेते हैं इसमें नेटवर्क आए कि नहीं आए, तो वेट करते हैं, इसका टच नहीं ले रहा है। तो देखिए अभी फ़िलहाल नेटवर्क तो इसमें आ गए हैं, एक पॉइंट भी आ रहा है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ जहाँ मैं जिस जगह बैठा हूँ वहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन नेटवर्क तो आएंगे लेकिन टावर बहुत कम आते हैं फिलहाल, तो देखता हूँ। क्योंकि उसमें फ्रेंड पहले क्या था कि एक मिनट चली नहीं रहा था बिल्कुल भी नेटवर्क, मतलब 10 सेकंड हो या 20 सेकंड 15 सेकंड इतना ही देर आता था और चला जाता था। तो फिलहाल नेटवर्क तो आ रहा है, तो देखते हैं फ़ोन को यूज़ करके। देखिए अभी तक तो फिलहाल एक बार भी गया नहीं है, तो नेटवर्क तो प्रॉपर पूरा आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए नेट चल गया, पहले इसमें नेट 4G भी नहीं चल रहा था और अब देखिए यहाँ पे 4G भी आ गया है और टावर भी आ गया है। ओके तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, फिलहाल मैं इसमें इंटरनेट चला के देख लेता हूँ शायद इसमें चल जाए।
देखिए 4G की स्पीड तो 4G लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि पहले 4G नहीं आ रहा था और अब 4G भी आ रहा है। तो अब मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ नेट चला के कि नेट चल रहा है कि नहीं। अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो नेट भी नहीं चलेगा हमारा। चलिए क्रोम में चेक कर लेता हूँ। 4G स्पीड कंटिन्यू आ रही है, तो मैं इसमें कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मेरा ब्रांड का नाम है BSASmobile.in, ये मेरी वेबसाइट है। तो आप मेरी वेबसाइट भी देख सकते हो, मेरी खुद की वेबसाइट है। तो यहाँ पहले पेज पे आ गया BSASmobile Service, जो कि मेरी खुद की वेबसाइट है, जो मेरा ऑनलाइन जो काम चलता है, मेरी लोकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हो। तो मैं अपनी वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर हम क्या काम करते हैं, क्या देते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। देखो ऊपर तक डाउनलोड, ऊपर से बफरिंग हो रही है। तो अभी तो फिलहाल नेट गया नहीं है, नेटवर्क भी नहीं गया, देख सकते हो। वरना 1 सेकंड 10 सेकंड में नेटवर्क चले जाते थे, अब फिलहाल आ रहा है। और देखिए हमारी वेबसाइट भी प्रॉपर ओके हो रही है, बेशक नेट स्लो है लेकिन चल रहा है। मुझे यही चेक करना है, 5-10 मिनट में को चेक करना पड़ेगा कि इसमें नेटवर्क एक बार जाते तो नहीं है। ये 4G जो आ रहा है ये बंद तो नहीं होता, नेटवर्क में कोई दिक्कत है, इंटरनेट कनेक्शन बंद तो नहीं होता। फिलहाल अभी नहीं आ रहा। तो देखिए हमारी वेबसाइट पे ये सब आईफोन के स्पेयर पार्ट अवेलेबल हैं, ऐसे बाय कर सकते हैं, सिर्फ दिल्ली NCR में इसकी सर्विस है। बाकी हेडफोन है, बाकी हमारी सर्विस है, मेरा यूट्यूब चैनल ओके, यहाँ पे मेरे ब्रांड है जो मैं भी हैंडल, ब्रांड जो मैं हैंडल करता हूँ, बाकी सर्विसेज है मेरी, बाकी ये कस्टमर के रिव्यूज़ हैं जो हमें कस्टमर ने दिए हुए हैं, ठीक ओके। बाकी मेरा यहाँ वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ है। तो मैं बहुत सी सर्विस देता हूँ, तो प्रॉपरली यहाँ पे जो नेट है पूरा सही चल रहा है, इसको दिक्कत नहीं है। तकरीबन हमें 2-3 मिनट हो गया है। ठीक है, तो देखिए आपने देखा आपने किस तरह अभी तक तो फिलहाल कोई नेट बंद नहीं हुआ, मेरी वेबसाइट प्रॉपर ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरी साइट पे आप आईफोन्स रिपेयर के प्राइसेस जो होते हैं कॉस्ट जान सकते हो कि कौन से फ़ोन की कितनी प्राइस चल रही है। यहाँ आईफोन रिपेयरिंग जो सर्विस हमारी प्राइसिंग है वो सब इसमें हमने दे रखा है, आप यहाँ से जान सकते हैं कि हम लोग किस रेट पर आईफोन के काम करते हैं। जैसे आपको आईफोन 6 के बारे में जानना है, आईफोन से तो आपको अगर आईफोन के बजाय तो आप किसी आईफोन 6 को करते हैं, क्लिक करती है, चलिए देखते हैं आईफोन 6 का क्या है। ये देखिए आईफोन 6 है, तो आप क्लिक करते हैं वी प्रोडक्ट पे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा आईफोन 6 रिपेयर प्राइस, LCD स्क्रीन 1500 की, चार्जिंग फ्लैक्स 800 रुपये का, फ्रंट कैमरा 800, मतलब सारे प्राइस हमने इसमें दे रखे हैं ओके। तो देखिए सारे प्राइस यहाँ पे आ रहे हैं, जो जो आपको लग रहा है कि हमें कोई जानना हो तो हमारी साइट से जान सकते हैं, हमने सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड अब फिलहाल देखिए मेरा जो भी जो था नेट जो चलाने चल गया, बाकी अब इसमें हम देखते हैं कॉलिंग करके, कॉलिंग हो रही नहीं फिलहाल, अभी तक फिलहाल कोई भी नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आई है। और कॉलिंग चेक कर लेते हैं जब कस्टमर केयर पर मिला के कि कॉल जा रही है कि नहीं, डायलिंग कर दी है ओके। तो देखिए यहाँ से कॉलिंग भी हमारी चालू है, इधर आपको आपको टाइमिंग आ गई है, नेटवर्क भी यहाँ पे आ रहे हैं ओके, नेटवर्क भी फुल आ रहे हैं और ये हमारी टाइमिंग भी आ गया। अभी तक फिलहाल नेटवर्क प्लान नहीं गया है, सब कुछ प्रॉपर ही ओके आ रहा है, बल्कि अब तो बढ़ गया है कॉलिंग का टाइम, नेटवर्क और ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने इस फोन के फॉल्ट को, जो नेटवर्क का इशू था वो मैंने इसको सॉल्व किया। तो आप इस तरह से भी इस सैमसंग के फ़ोन के या किसी फ़ोन के जो लो नेटवर्क होते हैं, नो सर्विस होती है, उनको ठीक कर सकते हो ओके। आप समझ गए होगे फ्रेंड मैंने किस तरह से इस फ़ोन को ठीक किया। तो फ्रेंड इस तरह से आप किसी भी सैमसंग के फ़ोन को ठीक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फिलहाल अभी तक कोई नेटवर्क नहीं गया है, ना कोई लो नो सर्विस है, ना ही 4G गया है, कोई कॉलिंग भी नहीं रुकी है। तो हमारा जो फॉल्ट था वो रिपेयर हो चुका है और अब ये फ़ोन बिल्कुल ही ठीक है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, मेरी जो सोच थी, जो मैं डाउट था वो सही था, वो हमारा एंटीना ही ख़राब था, तो मैंने एंटीना को सही कर दिया, रिप्लेस कर दिया और ये हमारा फ़ोन अब सही हो गया। तो इस तरह से आप फ्रेंड आप भी इन फ़ोन को ठीक कर सकते हो, आपको ज़्यादा मैन लगाने जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा। आप ज़्यादा डीप में मत जाइए कि इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें,
आप अपने दिमाग से अपने माइंड से भी कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें सब कुछ अपने हिसाब से करना है। ओके तो फ्रेंड, आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही आगे मोबाइल पर वीडियोज़ बना के देता रहूँगा, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख पाओगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।